नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहल क्लास के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम बात करेंगे आज 31 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों कुल 15 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसलिए दोस्तों अपने लक्ष्य में जो बाधा आ रही है उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़िए और अपने टारगेट की तरफ अचीव करने के लिए लगन से लगे रहिए। दोस्तों जब तक अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, और साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको अन्य दोस्तों को भी आपके लाभ मिले। बात करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों वो है गूगल। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग ने पूरे भारत में लगभग 1000 स्ट्रीम गेज का उपयोग करके घंटे के आधार पर जल स्तर मापने वाला गूगल का पहला आधिकारिक साझेदार है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो की। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के केंद्र सरकार के सभी नौकरियों के भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए किस एजेंसी का गठन किया है? तो दोस्तों वो है नेशनल भर्ती एजेंसी NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, NRA में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC और RRB सहित IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में डिटेल में। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET की महत्वपूर्ण बातें और विशेषताएं, इसके बारे में डिटेल में अपन बात करते हैं। CET का आयोजन ग्रुप बी और सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा। CET में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंक परिणाम की घोषणा की तारीख को इसे 3 साल तक की अवधि के लिए वैध होगा। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु की सीमा अध्ययनीन होगी। उम्मीदवारों द्वारा CET में भाग लेने के लिए अवसरों में की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। जब तक उसकी एज है दोस्तों वो तब तक अप्लाई कर सकता है। गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक उच्च माध्यमिक 12वीं पास और मैट्रिक 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए अलग अलग CET का संचालन किया जाएगा। CET के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन अलग अलग विशेषीकृत टीयर सेकंड और थर्ड इत्यादि के लिए माध्यम से किया जाएगा, जिस संबंधी भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने के साथ परीक्षा केंद्रों में अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। CET कई भाषाओं में उपलब्ध होगी। CET की भर्ती चक्र में लगने के वाले समय में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्न में से सबसे साफ शहर कौन सा है? तो दोस्तों वो है इंदौर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सब देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहरों में घोषित किया गया है। देश के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में इंदौर के बाद दूसरा सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई रहा है। बात करते हैं इसमें 100 से ज़्यादा शहरों वाले राज्य में सबसे साफ राज्य छत्तीसगढ़ और 100 से कम शहरों वाले में सबसे साफ राज्य झारखंड घोषित किया गया है। भारत के सबसे साफ कंटेनमेंट एरिया की तरह जालंधर कैंट ने बाजी मारी है। वाराणसी को वेस्ट गंगा टाउन का खिताब दिया गया है। इस सूची में वाराणसी के बाद कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज और हरिद्वार है। छोटे शहरों की श्रेणी में गया सबसे गंदा है, जबकि बड़े शहरों की श्रेणी में पटना सबसे बड़ा गंदा शहर पाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण 4242 शहरों और 62 छावनी बोर्डों और 92 गंगा के समीपों के बसे कस्बों की रैंकिंग जारी की गई है।
जिसकी रैंक जो रैंकिंग जारी की गई दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से, गंदे शहरों की रैंकिंग के बारे में बात करें अपन, तो सबसे गंदे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है वो है पहला पटना, दूसरा है पूर्वी दिल्ली, तीसरा है चेन्नई, चौथा कोटा, उत्तरी दिल्ली, मुंदेर, मेरठ, कोयम्बटूर, अमृतसर। और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात करें तो पहला है गया, दूसरा बक्सर बिहार में अबोर भागलपुर, तीसरा है परसा बाजार बाय बिहार, शिलोंग मेघालय, तीसरा है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, सातवां, आठवां है दीमापुर, नौवां है बिहार शरीफ और दसवां है सहरसा। तो दोस्तों ज़्यादातर शहर इसमें बिहार के आ रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, हाल ही में किस देश ने नेशनल सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स हुवेई और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? तो दोस्तों वो है ताइवान, राइट आंसर ए। ताइवान की कैपिटल है दोस्तों टेपेई और पॉपुलेशन है 2.38 करोड़, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर, प्रेसिडेंट है इजाइल इंगविन। ताइवान ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इक्वी एंड टेंसेट को संचालन पर बैन लगा दिया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सेवानिवृत्त कर्म सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है? तो दोस्तों वो है महाराष्ट्र सरकार, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी और सीएम है उद्धव ठाकरे, कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के अभी तक के रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले वह उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स की छूट दी जाती थी। महाराष्ट्र में के कृषि मंत्री दादाजी भुसे की सलाह पर अब छूट का दायरा सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए परिसर में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो है आईआईटी खड़गपुर, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, इसके साथ ही शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत करने वाला आईआईटी खड़गपुर देश का पहला संस्थान बन गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इस तरह की अकादमी को शुरू करने का उद्देश्य संस्था में छात्र छात्राओं के प्रति रचनात्मक प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु न्यून में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है कोरमो जॉब एप्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। गूगल इस ऐप के जरिए देश भर में खाली पदों को तलाशने में मदद मिलेगी। इस ऐप से नौकरी तलाश करने वालों को मदद मिलेगी और भारत में अपनी पसंद की नौकरी की तलाश कर सकेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, ड्रीम इलेवन ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 के सीजन के स्पॉन्सरशिप को राइट्स खरीदे हैं? तो दोस्तों वो है 222 करोड़, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ड्रीम इलेवन ने चीनी कंपनी वीवो की जगह अपने 4.5 महीने के लिए टाइटल प्रायोजक का अधिकार हासिल किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए है। इस बार आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों वो है बैडमिंटन, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एशियाई बैंक ने
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए की फाइनेंस की मंजूरी दी है, तो दोस्तों वो है 7,500 करोड़ रुपए की। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मंडालुंग फिलिप्स और प्रेसिडेंट है इसके मस्ताकू असावा का, और फाउंडेड 19 दिसंबर 1966, मेंबरशिप में इसके 68 कंट्रीज़ हैं। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली के सरायकाले खां गाजियाबाद मेरठ को जोड़ा जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो दोस्तों वो है राजीव गांधी। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। राजीव गांधी के पिताजी का नाम है फिरोज गांधी, माता का नाम इंदिरा गांधी। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था। इनका फुल नेम राजीव रतन गांधी, और इनकी जो वाइफ है इनका नाम है सोनिया गांधी। इनके बच्चों का नाम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 20 अगस्त 2020 के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 76वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो दोस्तों वो तिथि है 20 अगस्त। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों को समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की बजाय उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबर्स एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का इंटरनेशनल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो दोस्तों वो तिथि है 21 अगस्त। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इस वर्ष आतंकवाद से पीड़ितों को उनके हुए हादसे के बारे में बताने और लोगों को उनके बच्चे बचने के अनुभव के बारे में बताने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की भागीदारी में नोट फॉरगॉटन स्टोरीज ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टम्स ऑफ टेररिज्म पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दिन को पहली बार 2018 में मनाया गया था। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया है, तो दोस्तों वो है यस बैंक। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ग्राहकों के पास रखी अपनी प्रतिभूतियां शेयर इक्विटी और डेब्ट म्यूचुअल फंड किसान विकास पत्र फिक्स मेच्योरिटी प्लान LIC और चयनित कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसी गैर परिवर्तनीय डिबेंचर कर मुक्त बॉन्ड के एवज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने के सक्षम बनाएगा। इसमें ग्राहकों को उनकी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल सकेगा। यस बैंक की बात करें दोस्तों, ये एक प्राइवेट बैंकिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके फाउंडर हैं राणा कपूर और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। बात करते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVBDG को शुभारम्भ किया है, तो दोस्तों वो है लक्ष्मी विलास बैंक। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। LVBDG की पहल से लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सुविधाओं की तुरंत लाभ उठाने की मदद मिलेगी। इसका मुख्यालय है चेन्नई। MD CEO है इसके एस सुंदर अंतरिम। ठीक है, तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ में सुबह 5 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।